नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलीचा। आज का वीडियो एक शॉर्ट अपडेटेड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद आप आपका होम आइसोलेशन कब ख़त्म करें। देखिए, अभी तक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 14 डेज तक आपको एक रूम में रहना होता था, बट रिसेंटली एम्स और यूनिसेफ दोनों ने बताया कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप 10 डेज के बाद, जिस दिन से आपके सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं उसके 10 डेज के बाद होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि होम आइसोलेशन ख़त्म करने के 3 दिन पहले, मतलब 7th, 8th और 9th डे आपको फीवर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फीवर है, इट मींस कहीं ना कहीं वायरल लोड है बॉडी में। आइसोलेशन ख़त्म करने के बाद भी आपको मास्क रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। जिन लोगों को ये याद नहीं है कि उनके सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए हैं, वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 10 डेज के बाद होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो लोग जो मॉडरेट और सीवियर कोविड पेशेंट हैं या फिर जो हॉस्पिटलाइज थे, उनको हॉस्पिटल से आने के 7 डेज के बाद उनका आइसोलेशन ख़त्म करना चाहिए। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।